बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार और रोमांचक रहा, क्योंकि आज के एपिसोड में घर वालों के परिवार वाले और कनेक्शंस के बीच में खूब हंगामा देखने को मिला। तो वहीं परिवार वालों के घर वाले लड़ते झगड़ते हुए नजर आए बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ, और भी कई मजेदार चीजें देखने को मिली इस घर के अंदर। तो साथ ही साथ कुछ मजेदार टास्क दिए गए बिग बॉस के द्वारा इन घर वालों को। तो इस तरीके से आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहा, मजेदार रहा और साथ ही साथ काफी लड़ाई झगड़ों से भी भरा। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास और मजेदार रहा, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और साथ ही साथ इन कंटेस्टेंट्स के कनेक्शंस भी मौजूद हैं। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को देते हुए नजर आते हैं उनका अगला टास्क, जिसके लिए घर को बांट दिया जाता है दो हिस्सों में, एक तरफ घर वाले तो दूसरी तरफ घर वालों के कनेक्शंस मौजूद होते हैं, और उन्हें घर वालों को आगे बनाए रखने के लिए पैसे कलेक्ट करने हैं, और पैसे डालेंगे घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स, और जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे उनकी तिजोरी में, और वो जीत जाएंगे वो वाला टास्क। यहाँ पर विकास अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आते हैं, और इन सब चीजों से कश्मीरा को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो कहती हुई नजर आती है कि विकास, मुझे अपना प्लान मत समझाओ और मुझ पर अपना ये गेम थोपो भी मत, क्योंकि तुम्हारा लगे मेरा लगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा गेम देखा, और ईशानपट्टी मुझे तो दिखाओ मत। और इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो कहती हुई नजर आती है, तुम मुझसे ज्यादा तो सगा हो नहीं सकता है उसका, और हाँ अपना ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना। इस पर विकास का कहना होता है कि जो मेरे साथ नहीं मैं उसके साथ नहीं, और मुझे उन लोगों से नफरत होती है। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। इसके बाद टास्क आगे बढ़ता है, पैसों को लेकर कलेक्शन होता है, और इस टास्क के साथ ही घर में लड़ाई झगड़ों का भी सिलसिला शुरू हो जाता है, जब घर में विकास गुप्ता शहबाज के पैसे उठा लेते हैं। एक राउंड के बाद विकास का कहना होता है कि तुम्हारे पैसे कम है लेकिन तुम ज्यादा बता रहे हो। शहबाज का कहना होता है कि सही है, आप काउंट कर लो। और जैसे ही शहबाज काउंट करने के लिए पैसे रखते हैं, तो विकास गुप्ता उन पैसों को उठाते और अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, और फिर शहबाज का गुस्सा अलग लेवल पर होता है, और यहाँ पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये सब नहीं चलेगा। तो इसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य भी काफी नाराज हो जाती है और विकास गुप्ता पर खूब चिल्लाती हुई नजर आती है, और कहती है कि तू चीटिंग नहीं कर सकता है विकास, तुम सीनियर कंटेस्टेंट हो और ऐसा नहीं कर सकते हो। बिग बॉस, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इन सब चीजों को करेक्ट करें, क्योंकि आपके कहने के बावजूद भी ये सब ऐसा हो रहा है, और अब आप ही इसे करेक्ट करेंगे। वही विकास का कहना होता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जब तक काउंटिंग का टाइम चल रहा था आप किसी के भी पैसे उठा सकते, और मैंने ऐसा ही किया। इसके अलावा विशाल के भाई कुणाल के साथ भी हो जाता है ऐसा ही कुछ, कि वो कहते हुए नजर आते कि मेरे पैसे मत लो, मैं तुम्हारा ये तिजोरी चीजें वीजे तोड़ दूंगा। तो वही शहबाज कहते हैं कि हाँ तोड़ देंगे। तो वही पारस छाबरा और मायरा का कहना होता है कि अगर हमारी घर की चीजों को तोड़ा है तो तुम भी टूट फूट के जाओगे। शहबाज को गुस्सा आ जाता है और वो मायरा शर्मा के साथ झगड़ पड़ते हैं। शहबाज का कहना होता है कि ऐसे कैसे तोड़ के बताओगे, हाथ तो लगा के बताओ। और फिर यहाँ पर पारस गुस्सा हो जाते हैं और उनका शहबाज के साथ झगड़ा हो जाता है। शहबाज से कहते हुए नजर आते हैं पारस कि ये फालतू का एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, फालतू के झगड़े मत कर। वही शहबाज का कहना होता है कि मायरा का बम्बू, और इस पर पारस को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि अपनी जबान संभाल के बात कर। तो वही मायरा को भी गुस्सा आ जाता है, वो शहबाज से कहते हुए नजर आते हैं कि अपनी ना तमीज अपने पास रख, रही बदतमीजी मत कर, समझा ना, अगर मैं तेरी बहन के बारे में कहूँ कि सिद्धार्थ का बम्बू तो तुझे कैसा लगेगा। मायरा कहती हुई नजर आती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, और शहबाज रेगुलरली कहते हुए नजर आता है मायरा मायरा। और फिर पारस से कहते हैं कि अब आना बीच में, और बोल कि कैसे बोल दिया मायरा को, मायरा मायरा मायरा। और इस तरीके से पारस कहते हुए नजर आते हैं कि तेरे साथ बात करके मुझे अपनी चीजें खराब नहीं करनी, अगर हाँ तुझे तोड़ना है तो तोड़ के बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ। और काफी ज्यादा खराब हो जाता है, कुणाल भी गुस्सा हो जाते हैं, फिजिकल फाइट जैसे माहौल बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाकी कंटेस्टेंट्स कंट्रोल करते हुए चीजें नजर आते हैं। और इस तरीके से टास्क का पहला दिन बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ों से भरपूर होता है, जहाँ पर हिमांशी खुराना शहनाज गिल के फोटो फ्रेम को लेकर बात करती हुई नजर आती है और कहती है कि मैं कैची ढूंढ रही हूँ और मैं उस कैची से इस फोटो को काटना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसको देखना नहीं है कि मेरी पीठ पीछे इसे मेरे बारे में कुछ बोलता है और इसके बारे में मुझे कुछ बोलता है, और फिर मुझे बोलता है कि कंप्लेंट करो, अगर तुम्हें इसके साथ रहना ही था तो मुझे बोला क्यों, क्योंकि मेरा तो शहनाज के पास ऐसा कुछ था ही नहीं, पर्सनल था ही नहीं कि मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दूं। आप सोचो, आप उसके भाई अपने दिल में हाथ रख के बोलो कि मैं ऐसा कर सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा इशू था ही नहीं। इस पर शहनाज ने कहा कि हाँ यार ले फ्रेम ले और काट दे फाड़ दे जो करना है कर दे। और जैसे ही हिमांशी वो फोटो को देती है तो शहनाज का कहना होता है कि मुझे लगता है कि हिमांशी बाहर जाकर मेरी मैनेजर बनेगी। और इस तरीके से शहनाज और हिमांशी के बीच का जो मुद्दा है वो क्लियर होता हुआ नजर आता है, और साथ ही साथ घर में आगे की दिनचर्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 124 की हाइलाइट्स, और इसी तरीके से स्टेडी सीजन के हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स और सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।